हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज देखिए, वर्ल्ड कप का 26वां मैच था बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान इन चेन्नई। चेन्नई में पिछला मैच भी पाकिस्तान का हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ, और आज भी ये था। तो ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ही क्रूशियल क्रिटिकल मैच था। ये मैच पाकिस्तान को मस्ट विन मैच था। अब हालां अफ्रीका के लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ये मैच अफ्रीका हार भी जाता तो भी उसको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच था। अच्छा, चलिए टॉस हुआ, टॉस में बाबर आजम ने टॉस जीत लिया। अब यहाँ पे बाबर आजम ने अपने प्रायोरिटीज, अपनी पोजीशन, अपने जो उनकी परफॉर्मेंस है उनके टीम की, उसको ज़्यादा ध्यान दे करके साउथ अफ्रीका की क्या कमजोरी है उस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। हम लोग को लगता है, मुझे ख़ास तौर से, कि पाकिस्तान टीम चेज करने में ज़्यादा बढ़िया रहती है, उनके सामने टारगेट रहता है। भाई कभी हार भी जाती है कोई टीम, लेकिन नॉर्मली चेज करने में पाकिस्तानी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, और मैक्सिमम केसेज में बाबर आजम जब भी टॉस जीतता है तो वो फील्डिंग ही लेता है। लेकिन साउथ अफ्रीका का ये था कि अब तक जितने मैच हुए हैं उसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करके बड़े लंबे लंबे स्कोर किए हैं, 400 से ज़्यादा भी स्कोर किए हैं, लेकिन एक ही मैच में इनको जो है चेस करना पड़ा साउथ अफ्रीका को। तो उस मैच में ये इस टूर्नामेंट की जो सबसे फिसड्डी टीम है नीदरलैंड, उससे ये हार गए साउथ अफ्रीका वाले। तो इसलिए ये सोच करके बाबर आजम ने पहले बैटिंग किया, और हमें ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तानी टीम का कुछ एक मेन फ्लॉ ये है कि इनके पहले के दो चार जो विकेट हैं वो लोग तो तेज़ी से रन बनाएंगे, देख के रन बनाएंगे, वो तो समझ में आता है, लेकिन इनके जो चार विकेट गिरने के बाद जो खिलाड़ी आते हैं वो T20 मोड में खेलते हैं। आते ही बैट घुमाना शुरू करते हैं, बैट घुमाना कि हर बॉल पर उनको छक्का ही मारना है, और इसलिए पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और पूरा 50 ओवर खेल भी नहीं जाती। तो जैसे तैसे करके इन्होंने 270 रन बनाया है। जिस तरह ये ओवर कॉन्फिडेंस में अफगानिस्तान के खिलाफ थे, 282 रन बना के, वो उसी तरह से इनको लग रहा था 270 रन तो बहुत है इस पिच पे जीतने के लिए। और हालांकि जो साउथ अफ्रीका चेज करने में वीक है वो इसमें भी दिखा इनका, लेकिन ऐसा है कि अल्टीमेटली तो हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि चेज करते समय साउथ अफ्रीका हार ही जाएगी, ये चीज़ बाबर आजम को समझ में नहीं आया। और लास्ट में कभी अंपायर के ऊपर दोष देना, अब बाबर आजम खुद उसके बैट से निक लगी थी लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दे दिया था। अब लास्ट में बोल रहा है कि अंपायर जो है उसने नॉट आउट दे दिया इसलिए वो लास्ट बैट्समैन नॉट आउट हो गया अंपायर कॉल के कारण, और अगर उसी को अंपायर ने आउट दिया होता तो आउट हो जाता। आपने देखा होगा कि वो जो बॉल जो बीट कर गई है, विकेट में लगी है, एकदम कॉर्नर में लगी है, मतलब वो कट भी रही थी लेग की तरफ, तो अंपायर ने तो बहुत सही डिसीजन दिया है। अब साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को ये जो एक लात मारी है ना, अब बाबर एंड कंपनी को ये चाहिए कि ये यहाँ से अपना बोरियर बिस्तर बांधें और सीधे जाके लाहौर पहुँचें, वाया कराची या अपने अटारी बॉर्डर से होकर के। इनके बस का नहीं है, सारे एक्सपर्ट कल तक एक्सपर्ट बोल रहे थे कि आज का मैच जीतना ज़रूरी है, नहीं तो ये पाकिस्तान बाहर हो जाएगा वर्ल्ड कप से। सारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट इस तरह की बड़े बड़े बैठे रहते हैं ना हर चैनल पे, बोल रहे थे। अब आज जब हार गई पाकिस्तान ने, तो अब नया परम्यूटेशन कम्बिनेशन वो बनाएंगे कि वो उससे हारे, वो उससे हारे, ऑस्ट्रेलिया उससे हारे, ये हारे वो हारे, ये सब करेंगे। और वही नहीं, पाकिस्तान अगर फिर मैच हार जाएगी कलकत्ता में ना, फिर वो कुछ परम्यूटेशन कम्बिनेशन। ये पाकिस्तानियों की बहुत ही गंदी आदत है, सब रोते रहते हैं। तो पाकिस्तानियों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि काफिरों के देश में तुम्हारा कुछ भला नहीं हो सकता,
काफिरों का जो देश तुम्हारे हिसाब से इंडिया है ना, यहाँ पे तुमको जूते ही पड़ेंगे अर्थ में, तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए जितनी जल्दी से हो सके ये वर्ल्ड कप ख़त्म करके और अपना बुरिया बिस्तर लेके भागो यहाँ से, कोई तुमको देखने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। कुछ लोग के दिल में धड़कता है, वो सब जानते हैं कि इसलिए तुम्हारे प्रति प्रेम धड़कता है लोगों के दिलों में। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे वो भी समय आने पर तुमको धोखा देने वाले हैं। इसलिए पाकिस्तानियों को जो जूता मारा है आज, ये रोज़ जूते पे जूता खा रहे हैं, इतनी बुरी तरह हार रहे हैं, खिलाड़ी रोने जैसी शक्ल बना लिए हैं, बीमार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पाकिस्तानी रो रहे हैं बैठ करके। वो तो बेस्ट यही है कि अब खेलो ही मत, और कितनी बेइज्जती कराओगे यहाँ इंडिया में अपने क्रिकेट टीम की पाकिस्तानी, तुम लोग जो है। तो इसलिए चुपचाप यहाँ से बुरिया बिस्तर बांधो और चेन्नई से सीधे वाया दुबई जो है लाहौर पहुँचो। अब तुम्हारे बस का कुछ नहीं हो गया, इतना घटिया खेल खेल रहे हो तुम लोग जो है। बाबर आजम की लिमिट 50-60-70, उससे ऊपर से खेलना नहीं है। रिजवान 30-32 रन बना के सोचता है कि हमने बहुत उधर मोरकल को देखिए 91 रन बनाया उसने, इंश्योर कर दिया कि जीत जाए टीम। और तुमको एक विकेट 18-20 रन चाहिए, 9 विकेट गिर गया साउथ अफ्रीका का, तुमसे एक विकेट तक नहीं ले पाए तुम लास्ट में। क्या खेल रहे हो, किस तरह का वर्ल्ड कप खेल रहे हो भाई, आप लोग काबिल ही नहीं हो। अगली बार तो क्वालिफाइंग राउंड में आपको खिलाना चाहिए, आपके बस का कुछ नहीं है। फ्रेंड्स एंजॉय करिए, ये पाकिस्तानी को आज जो लात मारा है साउथ अफ्रीका ने ना, अब ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बेशर्मों की तरह सूट टाई पहन के भले इनके रिपोर्ट आके मीडिया में बैठ जाते हैं, लोग बकबक करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम बुरी तरह धराशायी हो गई है और ये अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ना अपने देश में। ये तो काफिरों का देश है, यहाँ तुम्हारा नहीं हो सकता कुछ भला। काफिरों के देश में जो तुम्हारी नीयत है ना, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता भला। तुम भागो यहाँ से जल्दी से जल्दी, नहीं तो और जूते खाते रहोगे सब लोग। तो फ्रेंड्स आज साउथ अफ्रीका को बधाई, पाकिस्तानियों जाओ अब निकलो, कितनी लात खाओगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कल हमारा लोग का मैच है संडे को, देखते हैं हम लोग, और इंग्लैंड को हम लोग हरा देंगे, इंग्लैंड की जो हालत है इस समय। फ्रेंड्स नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर लाइक सब कुछ करिए सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।